तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ और पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 15.3 के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। और भाई, इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, नए यूजर हैं तो भाई करना ना भूले सब्सक्राइब का बटन, और भाई इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आपको सीखना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है तो मैं आपके सामने लिख लेता हूं। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, और 6 हमारे पास क्या है क्वेश्चन, तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख लिया है। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इसमें क्या देखते हैं। देखते ये है कि इसमें भाई कॉमन क्या मिल रहा है, ऐसी कौन सी संख्या में ले उनमें से हम कोई संख्या चुरा सके। ठीक है, तो भाई चुराते हैं, कौन सी संख्या इसमें चुरा लेते हैं हम। देखो यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ 5x है, यहाँ 5 ही है, तो ये वाली संख्या मैं इधर ले आता हूँ, ये वाली मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, किस तरीका से मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 5x माइनस के 5। ठीक है, ये मैंने कर लिया, क्या किया, ये वाली संख्या में यहाँ ले आया, ये वाली संख्या में यहाँ ले आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कौन मिल रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर ये है और एक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कौन मिल रहा है इसमें से, एक्स कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 है तो हमने 1 ले लिया, 1 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारे पास a। अब यहाँ देखते हैं क्या कौन मिल रहा है इसमें, दोनों में क्या क्या है, 5, तो हमने 5 ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स और माइनस के a। अब देखो इस कोष्टक में, इस कोष्टक में हमारी संख्या बराबर है, तो ये समझो हमारा क्वेश्चन राइट आने वाला है। तो एक कोष्टक में ये और ये कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 5, और एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस के 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने निकल के आया है, एक्स प्लस के 5 और एक्स माइनस के 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सही आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख लिया है, उसे भी सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये कोष्टक से बाहर है तो इसमें पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या है, जैसे हम इसे बना रहने देंगे, क्या करना है, ये वाली संख्या हम जैसा का तैसा लिख लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, पहले इसका अंदर गुणा कर लो। तो पहले कोष्टक लगा रहने देंगे, ये हो जाएगा ए बी और माइनस के बी सी, और ये रह जाएगा आपका माइनस के सी। अब देखो चिन्ह परिवर्तन कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आपके सामने करने वाला हूं। इसे कोष्टक खोलेंगे, इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी और इसमें अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के बी सी और माइनस के सी। अब इतना करेंगे तो यहाँ देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है भाई साहब इसमें ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी ले लें पूरा कॉमन, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा माइनस के 1। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है सी, तो सी कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा बी माइनस के 1। अब ये कोष्टक में एक कर दो, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस के सी, और कोष्टक में ये एक में कर दो क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी समान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपके सामने ये आंसर निकल के आया है, ए बी प्लस के सी और एक कोष्टक में बी माइनस के 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एकदम बिंदास तरीके से सही आया होगा। ठीक है, तो मैंने 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है और इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करें कि भाई साहब ये रिश्तेदार दोनों बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे को भी एंट्री दिलाओ इस घर में, तो भाई इनको एंट्री दिला रहे हैं और आप भी देखना किस तरीका से इनको एंट्री दिला रहे हैं। ठीक है, ये है बाहर, तो भाई बाहर से रिश्तेदार आए हुए हैं और गेट के बाहर ही बैठ गए बेचारे, तो इनको भाई घुसाते हैं, तो इनके साथ ये चिपका दो। किस तरीका से चिपका दो, इनसे बुलावा दे दो, भाई आपके रिश्तेदार आए इनके साथ मिल लो। तो ये मिलेंगे भाई ए स्क्वायर सी माइनस, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस का, इनको भी मिला दो किस तरीका से, ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर। अब इतना करने के बाद ए स्क्वायर सी और ये वाली वैल्यू यहां ला दो, कितना हो जाएगा प्लस के ए बी स्क्वायर। अब क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर और यहां बचेगा आपका बी स्क्वायर सी। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है उसे बाहर निकाल दो, इसमें ए है इसमें भी ए है, तो ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए सी, क्या बचेगा यहाँ पर ए सी, और क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे बेटा सी,
तो ये C कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए सी, और माइनस का कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, एक कोष्टक में तो है और एक कोष्टक इनका अलग बना दो, ए माइनस का सी और एक कोष्टक इनका है ए सी प्लस के बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका फाइनल निकल के आया है ए माइनस सी का कोष्टक बंद कर दो, ए सी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एक बार अपनी कॉपी में उतार लेना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, इसे साफ करते हैं। तो भाई मैंने आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है और देखते हैं भाई इसमें कॉमन क्या मिला है क्या नहीं और क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें कि भाई जो मिल रहा है उसे एक तरफ कर लो, कैसे करेंगे भाई। यहाँ मिल रहा है ए एक्स, यहाँ मिल रहा है प्लस के सी एक्स और यहाँ मिल रहा है माइनस के बी एक्स। यहाँ क्या मिल रहा है प्लस के ए वाई और ये हो रहा है माइनस के बी वाई और प्लस के सी वाई। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन मिल रहा है मुझे एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा ए प्लस के सी और माइनस के बी। यहाँ देखते हैं कौन कौन मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है प्लस के बाई, तो ये बचा है ए माइनस बी और प्लस के सी, ये कोष्टक और ये कोष्टक। देखो भाई ए प्लस का है तो ए प्लस का है, बी माइनस का है तो बी माइनस का है, सी प्लस का है तो सी प्लस का। आप मन में ये ना सोचे कि सर आपने यहाँ ये पीछे संख्या लास्ट में माइनस के भी, आपने भी कैसे करे, लेकिन इसका भाई देखो वैल्यू देखो, ये माइनस में जहां भी माइनस में, बस ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कोष्टक में इसे कर दो एक्स प्लस के बाई और एक कोष्टक में ये हो जाएंगे। ओके, तो हमने कर दिया और इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा, तो इसका जो फाइनल में आंसर निकल के आया है वो आया है एक्स प्लस के बाई ए प्लस सी माइनस के बी एक कोष्टक में। ठीक है, तो आई होप हमने पहले क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, और जल्दी दूसरे क्वेश्चन के भी जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर वो भी आपको जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। और भाई मेरा एक कहना है कि आपको कितनी मेहनत करा रहा हूँ भाई, गर्मी है कितनी, बस आपके लिए भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए भाई। सपोर्ट करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन करना है, शेयर वीडियो करना है, बस इतना ही मेरे लिए कर दो और बस मैथ मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।